हेलो, हेलो। हे गाइस। या भाई, बाहर से कोई है? सब इंडिया से? सभी इंडिया में या बाहर से कोई है ज्वाइन? इंडिया से ही है सर। इंडियन ही है सब शायद। ठीक है। हाँ, क्योंकि तेलुगु बैच में तो कुछ लोग ज्वाइन करते हैं बाहर से, इसलिए। हाँ राइट। यस, बट योर वॉइस इज टू लो। अगर फोन सामने रख के बोलिए, पहले देखते। हाँ, आवाज फिर। यस, विकास प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके। या इफ योर सी इफ योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, इट्स ओके। यू कैन टाइप योर क्वेश्चन ऑन द चैट, राइट? सो लेट मी डिलीट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो, लेट्स टॉक अबाउट बेसिक्स, मतलब कहाँ से शुरू करनी है। सो इफ यू गाइस आर अवेयर अबाउट फ्यू फ्यू टेक्निकल टर्म्स और फ्यू ऑपरेशन परस्पेक्टिव एश्योर कंपोनेंट्स और फ्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कंपोनेंट्स, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? एक सिनेरियो ले लेते हैं। लेट्स टेक यू वर्किंग फॉर एक्स वाई जेड कंपनी, ठीक है? सो यू वर्किंग फॉर एक्स वाई जेड कंपनी एंड इट हैज अराउंड 10 ऑफिसेस अक्रॉस द ग्लोब। व्हेन आई से 10 ऑफिसेस, टू ऑफ देम आर इन यूएस, लेट्स से, एंड इट आल्सो हैज टू डेटा सेंटर्स इन यूएस। मीन्स वन ऑफिस, वन डीसी, अनदर ऑफिस, अनदर डीसी इन यूएस। ओके, सेम सॉर्ट ऑफ सेटअप इन यूके एज वेल। यहाँ पे भी एक ऑफिस है और एक डेटा सेंटर है। नाउ आई डोंट थिंक सो, वीडियो इज लैगिंग बिकॉज यहाँ पे कुछ ज्यादा कंटेंट भी नहीं है। वेल लेट्स सी। एनीवे, ओके, सिमिलरली यूके में भी, सॉरी यूके बोल रहा हूँ, कुछ और लोकेशन ले ले, सिंगापुर। राइट, एंड अदर लोकेशन इन चिया और सिंगापुर अलॉन्ग विद डेटा सेंटर्स, ठीक? और कुछ ऑफिस है इंडिया में? दो लोकेशन, ऑफिस वन, सेवेंथ ऑफिस, ऑफिस टू, ऑफिस एट, ऑफिस अनदर टू ऑफिस इन, वन इन न्यूजीलैंड, वन इन ऑस्ट्रेलिया, एग्जाम्पल, राइट? 9 एंड 10। सो नाउ आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दीज आर इंटरकनेक्टेड, बता सकते हो? कोई भी? यूजिंग वैन लिंक्स और इंटरनेट और बेसिकली यूजिंग नेटवर्किंग गो ओनली। अहेड, चलेगा। बट मुझे ये जानना है, तो ये सब चीजें कहाँ से एक दूसरे के साथ कनेक्ट में रहेगा? सारे ऑफिसेस और देयर सारे शुड बी डेटा अ सेंटर, देयर
There should be a trust relationship in between that, and they should be connected through the WAN network, internet network. इंटरनेट ठीक है। सो मैं ऐसे इसको ऐसे पोर्ट्रेट कर सकते हैं, नीड वन एएसए फायरवॉल, सॉरी एएसए सिस्को एएसए, यहाँ पे एक और यहाँ पे, इफ आई एम अ प्रीमियम कस्टमर विद सिस्को, सो एंड सो ऑन, ऐसे सब सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेगा। क्या इफ यू आर इन यूएस यू विल टेक टू कनेक्शंस फ्रॉम, वन इज एटीएनटी एंड दूसरा जो है ऑरेंज। ओके अगर यूके में आएंगे, अनदर वन इज एटीएनटी एंड अदर वन इज बीटी, राइट। सिंगापुर में भी सेम थिंग, सम वेंडर। अगर इंडिया में आएंगे, वन इज जियो अनदर वन इज एयरटेल, राइट। दो दो इंटरनेशनल लिए हर जगह पे लीज लाइन। नाउ इस ऑफिस पुणे ऑफिस, दिस इज वन ऑफ द बैंगलोर ऑफिस। सो इस ऑफिस में 500, लेट्स से 500 लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स दैट आर कनेक्ट फ्रॉम ऑफिस। सो यहाँ पे क्या आईपी रेंज तुम डिसाइड करोगे और कैसे डिसाइड करोगे, रेस्पेक्टिव एजुर से कुछ लेना देना है बट फिर भी, राइट। Depending upon the size and the number of computers, what we're going to host or something, maybe ओके classy. परफेक्ट। सो इस पे कैन आई टेक इट एज 208.68.0/21 फिजिबल? हाउ मेनी आईपी से /21? टू जीरो फोर एट यस सर सो 2000 डिवाइसेस दैट आई कैन प्लेस ओवर हियर, फाइन। नाउ दिस ट्रैफिक आई वांट टू अलाउ दिस ट्रैफिक टू अक्रॉस ऑल द ग्लोबल लोकेशंस विद इन द ऑफिस प्रीमिसेस, मींस अगर कोई भी डेटा सेंटर पे या कोई भी ऑफिस में कुछ डिवाइस है, वो सब चीजें यहां से एक्सेस होना चाहिए। सो हाउ यू विल कॉन्फिगर इट, कैसे, एनी आइडिया? There मुझे will be a router यहाँ पे, यहाँ पे switch. एक फायर, एक यहाँ पे एक वीपीएन डिवाइस चाहिए, राइट। पीछे जो स्विचेस हैं या राउटर्स हैं या वाईफाई डिवाइसेस हो या कुछ सिक्योरिटी स्कैनर्स हो, वो सब चीजें रहेंगे, अलग बात है। बट मेजरली इफ आई वांट टू एस्टैब्लिश कनेक्टिविटी विथ वन लोकेशन टू एनी अदर लोकेशन, आई नीड टू हैव वन वीपीएन डिवाइस हियर। वहां पे मैं क्या करूँगा, दो इंटरनेट कनेक्शन इनपुट्स इस पे प्लग करता हूँ, मतलब इस पे कनेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद पीछे से एक RJ45 1 Gbps नेटवर्क, इथरनेट नेटवर्क पीछे पूरा ऑफिस में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करेंगे। एंड यू विल एड अ राउट्स इन द स्विच सेइंग इफ डेटा इज विद इन दिस बाउंड्री गो टू दिस स्विच, इफ डेटा इज आउटसाइड दिस आईपी वीलैन एंड सेंड इट टू वीपीएन, देन इट इज वीपीएन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू होम आई नीड टू सेंड अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन, बराबर, एकदम हाई लेवल में, ठीक। सो यहाँ पे सिंगापुर डेटा सेंटर में एक विंडोज सर्वर है, मुझे यहाँ से एक्सेस करनी है, तो हाउ यू विल एक्सेस इट, तो नॉर्मली विंडोज सर्वर सेम कैसे? कॉन्फ़िगरेशन सेम कॉन्फ़िगरेशन वी हैव टू डू एट सिंगापुर डेटा सेंटर आल्सो मैन. ओके सो इस सर्वर का जो रेंज है, इसका भी कुछ रेंज रहेगा, उस पे मुझे 3389 पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा, देन ओनली आई विल बी एबल टू कनेक्ट फ्रॉम हियर टू यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ पे
ये रेंज को अलाउ करना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ ये रेंज से ये पोर्ट भी अलाउ करना पड़ेगा, तभी वो डेटा अंदर जा पाएगा, अदरवाइज इट विल रिजेक्ट हियर और इट विल रिजेक्ट हियर एज वेल बेस्ड ऑन द राउटिंग व्हाट यू सेट. समझ रहे हो ट्रेडिशनल वे में? ठीक है. सो आज ऑफिस नहीं गया तो आज घर से लॉग इन कर रहे हो, राइट? जब घर से लॉग इन करोगे तो कैसे काम करोगे? ऑफिस गया है तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा लैपटॉप ऑन करो, वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा तो चल जाएगा. ना, हम लोगों के पास भी वीपीएन रहेगा ना, सो वीपीएन दैट इंस्टॉल रहेगा. सिक्योर। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वीपीएन एंड आपके लैपटॉप में कॉर्नर में जो वीपीएन क्लाइंट रहता है वो वीपीएन, इन दोनों में क्या अंतर है? डेटा सेंटर वाला वीपीएन जो है वो सर्वर एज अ एक्ट करेगा, और लैपटॉप पे जो वीपीएन एज अ क्लाइंट करके एक्ट करेगा, विच इज बाइंडिंग विद सर्वर। नहीं, वीपीएन में दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, ठीक है? वन इज साइट टू साइट वीपीएन, अनदर वन इज पॉइंट टू पीयर टू पॉइंट पीयर वीपीएन, ठीक है? सो लैपटॉप से जो आप लोग लॉग इन कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं पॉइंट टू साइट वीपीएन. पॉइंट जो है आपका आपका लैपटॉप, साइट जो है जहां पे आप कनेक्ट कर रहे हो वो पूरा लोकेशन ट्रीटेड एज अ साइट, ठीक? सो आपका लैपटॉप चेंज नहीं हुआ, आपका वीपीएन चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है? मुझे ये प्राइमरी मतलब मेरे कहना क्या है, ये यूएस का एक ऑफिस, यूएस का सेकंड ऑफिस, यूएस का प्राइमरी डेटा सेंटर, यूएस का सेकेंडरी, यूके का प्राइमरी, यूके का सेकेंडरी, सिंगापुर का प्राइमरी, सिंगापुर का सेकेंडरी, डीआर साइट है ये तीनों, ठीक? सो मुझे ये तीनों को शट डाउन करना है. द प्लान इज ये तीनों को शट डाउन करना है और ये तीनों को एजूर पे लेके जाना है. सॉरी, समझ रहे हो? प्राइमरी बाद में देखेंगे, पहले सेकेंडरी को शट डाउन करके मुझे एजूर पे लेके जाना है. दैट इज द प्लान. सो व्हाट यू विल डू इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क स्टैंड पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ सर्वर स्टैंड पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, वॉट एवर, तो मेरा एम है एजूर पे लेके जाना एट हाई लेवल, ठीक है? ये तो बाहर तो सब सब लोग बोलते ही है, ऑन प्रीमाइज टू एज्योर, एज्योर टू ऑन प्रीमाइज, ये वो, बट करते क्या एग्जैक्टली? We migrate all the servers to Azure by configuring the required network and all. ये इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ये इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये इसके साथ, एंड ये भी यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा. सिमिलरली ये लोकेशंस आल्सो नीड टू इंटीग्रेट विथ एज्योर लाइक, ठीक है? बट एज्योर एज्योर तो मतलब एक ही है, या तो बस इतना ही है, portal.azure.com. तो उसमें कैसे शुरू करोगे, कहाँ से स्टार्ट करनी है? We'll have regions there, no? जो regions है उसके accordingly we can. सो एज ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन, एज ए न्यू कस्टमर, वॉट यू विल डू एट फर्स्ट स्टेज इन एज्योर, Purchasing समझ the लो? Azure retenant. रिटेनेंट मीन्स मीन्स व्हाट, थोड़ा एलाबोरेटली बताओ ना. एक एक टेनेंट खरीदना पड़ेगा कंपनी के नेम पे, फिर कंपनी का ऑलरेडी डोमेन है. लेट से एक कंपनी आपको जो काम कर रहे हो, ठीक है? तो श्रीनिवास एट द रेट abc.com, ये ऑलरेडी डोमेन है, मैं खरीदा हूँ इसका, मुझे ऑन प्रीमाइज में एक्टिव डायरेक्टरी है, ये 10 लोकेशन या 20 लोकेशन में जो लोग रोज ज्वाइन कर रहा है, लॉग ऑफ कर रहा है, लॉग इन कर रहा है, सब उनका एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह वगैरह सब कुछ इसके थ्रू ही चल रहा है. मतलब ये ऑलरेडी है 20 साल पुराना कंपनी. तो आई मीन एजर में क्या एजोर चाहिए ना? एजोर में एडी इंस्टेंस
हमें परचेज करना होता है ना एज रेडी इंस्टेंस नहीं लेना होता है। वी हैव टू वैसा सर वी हैव टू इंटीग्रेटेड द आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू क्लाउड फर्स्ट देन वी कैन एबल टू एक्सेस ऑल दिस स्टफ आफ्टर दैट. ठीक, वेरी गुड. सो एट फर्स्ट स्टेज मुझे एक अकाउंट बनानी है इस पे. थिंक अबाउट एंटरप्राइज पर्सपेक्टिव, थिंक अबाउट इंडिविजुअल आपका प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव, कोई भी हो, पर्सपेक्टिव कुछ भी होने दो, पहले तो अकाउंट तो चाहिए. ठीक, एज्योर पोर्टल में. सो व्हेन यू क्रिएट अ अकाउंट, आप जो बोले ना अभी, किसने बोला था ये एडी टेनेंट, मुझे एग्जैक्टली नाम मैं देख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, एडी टेनेंट किसी ने तो बोला है, राइट. सो व्हेन यू क्रिएट अ अकाउंट फॉर योर सेल्फ और ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टिव, यू विल गेट वन डायरेक्टरी आईडी. बराबर, हाउ यू विल आइडेंटिफाई योर डायरेक्टरी आईडी विद इन एज्योर? It ends with onmicrosoft.com. सॉरी, I mean it ends with onmicrosoft.com. नो नो नॉट दैट वन. सो पहले आपको पोर्टल में लॉग इन करना पड़ेगा. कैसे, लेट्स से कोई भी जीमेल हो, ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी हो या आउटलुक हो, कुछ भी, इट डजंट मैटर. ऑटो लॉगिन हो गया इससे. ठीक है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट से लॉगिन हो गया. सो न्यू अकाउंट, क्रिएट अ न्यू वन, राइट. यू कैन क्रिएट फॉर योर सेल्फ और ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव. यू यूज योर कंपनी आईडी और योर पर्सनल आईडी. इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस फॉर योर सेल्फ, यूज योर पर्सनल आईडी. इफ यू वॉन्ट टू एनेबल बिजनेस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स एट द रेट abc.com, उस आईडी से लॉग इन कर लो, या बिलिंग एट द रेट abc.com, उस आईडी से पहले लॉग इन कर लो. ठीक है, जब लॉग इन करोगे यू विल गेट दिस दिस काइंड ऑफ स्क्रीन, उसमें सब कुछ दिखेगा बट कुछ रिसोर्सेस नहीं, कुछ नहीं. सो गो टू एक्टिव डायरेक्टरी पहली बार, जब पहली बार तुम अकाउंट बनाओगे. ठीक है, गो टू एक्टिव डायरेक्टरी एंड प्रॉपर्टीज. अब जो भी ईमेल आईडी से अकाउंट बनाए हो, डिफॉल्ट डायरेक्टरी तो क्रिएट होगा, यू विल गेट वन टेनेंट आईडी. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, इज योर डायरेक्टरी आईडी. मतलब अगर तुम कुछ किए हो, गलती हो सही हो, बट तुम्हें आइडेंटिफाई है, तो ये तुम्हारा एड्रेस है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर योर अकाउंट विद इन एज्योर पोर्टल. बिकॉज एक बार एज्योर में अकाउंट बना लिया, यू विल बी एबल टू डिप्लॉय द रिसोर्सेस अक्रॉस द ग्लोब, कहीं पे भी दुनिया में यू यू कैन रन योर बिजनेस, बट ओनली द आइडेंटिफिकेशन इज दिस फॉर ईच एंड एवरी यूजर विद इन एज्योर. ठीक है, इसके बाद अब जाके कुछ डिप्लॉय करने कोशिश करोगे, कुछ चलता ही नहीं है. यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, इधर यू आर एंटरप्राइज यूजर और इंडिविजुअल स्टूडेंट और इंडिविजुअल अकाउंट एज विद दी पे एज यू गो अकाउंट, कोई भी हो, बट यू विल नॉट बी एबल टू डिप्लॉय इट अनटिल अनलेस यू गेट द सब्सक्रिप्शन. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप, एनरोल फॉर अकाउंट, यू विल गेट अ डायरेक्टरी आईडी. सेकेंड स्टेप, गेट सब्सक्रिप्शन. व्हेन आई से सब्सक्रिप्शन, सो आपको कितने तरीके के सब्सक्रिप्शन पता है, अगर ऑलरेडी काम किया होता, राइट. सो कितने सब्सक्रिप्शन आपको पता है? क्रिएट योर अकाउंट, दैट इज फर्स्ट स्टेज, एंड सेकेंड वन इज सब्सक्रिप्शन. सो सब्सक्रिप्शन कैसे लोगे?
मुझे दोनों दोनों जानना भाई है, मुझे दोनों जानना है। एक है इंडिविजुअल पे एस यू को, तो सबको पता ही है, बट एंटरप्राइज लेवल का सब्सक्रिप्शन कैसे लोगे एंड द बिल्डिंग कैसे काम करेंगे उसके लिए? एंटरप्राइज लेवल का के लिए हम पार्टनर्स को जो माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं अच्छा सो ओके दैट दे विल बी द इंटरमी आई मीन वो मीडिएटर की तरह काम करेंगे व्हेन इट फॉर कम्स टू आर एंटरप्राइज लेवल कोई मीडिएटर को एंटरटेन नहीं करेंगे, दे विल डायरेक्टली डील विद माइक्रोसॉफ्ट। अभी छोटे छोटे कंपनीज हैं, उनको टेम्पररी सब्सक्रिप्शन चाहिए 1 साल के लिए, दे'ल परचेज इट, दे'ल यूज इट थ्रू थर्ड पार्टी सपोर्ट पार्टनर्स बिकॉज दे विल गेट सपोर्ट एज वेल। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ वो जो जो भी सपोर्ट सब्सक्रिप्शन बेच रहा है उनका सपोर्ट मिलेगा। उसके लिए कुछ छोटे छोटे कंपनीज दे विल गेट अ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम थर्ड पार्टी। बट व्हेन आई टॉक अबाउट एंटरप्राइज के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील करेगा, वो एक चीज। एंड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, किसी का थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं, किसी कंपनी की जरूरत नहीं। आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप पे एज यू गो ले लो और यूज करो। दोनों पॉसिबल है, बट एंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन में कोई क्रेडिट कार्ड का जरूरत नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन एनरोल करने की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। बट यू नीड ए सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली, बट द सब्सक्रिप्शन माइक्रोसॉफ्ट खुद ही आपके अकाउंट पे ऐड करेगा। व्हेन यू सेंड अ ईमेल टू सेल्स टीम, ठीक है, दे विल नेगोशिएट ऑन द बिलिंग पार्ट। इन द सेंस यू विल हैव अ प्रीमियम सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट सिंस लास्ट 20 ईयर्स। ऑन बेसिस ऑफ दैट प्रीमियम सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट दे विल ऑफर यू सम सॉर्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, एंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन। ओके, वो सब्सक्रिप्शन में बिलिंग ऐसे रहेगा, मिनिमम आपको XYZ अमाउंट भरना ही पड़ेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट यू आर यूजिंग और नॉट। ओके, आफ्टर सर्टेन अमाउंट, ये भी हो सकता है फ्लैट 30% डिस्काउंट इन योर बिल। जितने भी बिल आप बनाओगे हर महीना, उसमें फ्लैट 37 बिल अप्लाई करके, 37 30% ऑफ अप्लाई करके इनवॉइस जनरेट होता है 33% समटाइम, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन ऐसे ही डिजाइन किया फॉर एंटरप्राइज कस्टमर्स। एंड मोर ओवर आपको मंथली रिकरिंग पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड करने की जरूरत नहीं है। दे हैव देयर वायर ट्रांसफर और पीओ परचेज ऑर्डर सब के थ्रू बिलिंग, राइट, जस्ट लाइक योर सैलरी प्रोसेसिंग। उसके तरह उसका बिल भी प्रोसेस होगा हर महीना, जैसे इनवॉइस जनरेट होगा इनवॉइस के अगेंस्ट उसका बिल प्रोसेस होगा नेक्स्ट मंथ। उनके लिए कुछ क्या बोलते हैं मंथली बिल सेट करने की जरूरत नहीं है, एंड मंथली थ्रेशोल्ड्स वगैरह वो सब चीजें कॉस्ट मैनेजमेंट में आएंगे जस्ट लाइक योर इंडिविजुअल अकाउंट। बट बिलिंग जो है इनवॉइसिंग दैट वर्क्स इन अ डिफरेंट वे फॉर एंटरप्राइज कस्टमर्स। तो इनवॉइस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के एंड से जनरेट होगा एंड देन पीओ नहीं, सब्सक्रिप्शंस में रहेगा, आपके ऐसे में सब्सक्रिप्शन रहेगा, सब्सक्रिप्शन दिखता रहेगा, बस इनवॉइस भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, बट उनका नॉर्म्स अलग रहता है इनवॉइस जनरेट करने का। मान लो आपने एक B1S, B2S या D2S, B3 स्टैंडर्ड सर्वर एक डिप्लॉय किया, ठीक है, आपका बिलिंग जो है पर आवर 6 रुपीज 57 पैसे, एग्जाम्पल इंडिविजुअल यूजर का पे एज यू गो में 6 रुपीज 57 पैसे पर आवर इज द बिलिंग। यही सर्वर वो सब्सक्रिप्शन में वो एंटरप्राइज कस्टमर के लिए डिप्लॉय करेंगे, 6 रुपीज 57 पैसे डिप्लॉय करते वक्त दिखाएगा, बट इनवाइस जनरेट करते वक्त उसका स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से जो डिस्काउंट अप्लाई किया है उनके सब्सक्रिप्शन के ऊपर, सो फ्लैट 33% माइनस कर लो उसमें से। हर घंटे 6 रुपए में से 30% निकालो, तो 4 रुपए या 5 रुपए में आपको सर्वर मिल जाएगा। मतलब डिप्लॉय करते वक्त 6 रुपए दिखाएगा, बट बिलिंग में मंथ खत्म होने के बाद बिल आते वक्त आपको 5 रुपए बेसिस पे बिल आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज पॉसिबल इन द एंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन। सो बाकी जो पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन है और फ्री ट्रायल जो है, ओके, वो भी आप यूज कर सकते हो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। इसके अलावा आप कोई भी ऑफिशियल ट्रेनिंग अटेंड करोगे, यू विल गेट अ एज्योर पास। कितना? $100 का या
$120 का कुछ अमाउंट आता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उसका, लेट्स सी। सो इफ आई गो टू सब्सक्रिप्शन, गो टू कॉस्ट मैनेजमेंट, सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, सो एज्योर पास स्पॉन्सरशिप, ये भी एक सब्सक्रिप्शन है, तो इस पे कुछ लिंक वगैरह दिखता नहीं, लास्ट बिल कितना हुआ क्या हुआ वो दिखता नहीं है ऐसे सब्सक्रिप्शन में, डायरेक्टली ऐड होगा एंड ड्यू डेट रहेगा 1 महीने तक, मतलब 1 महीना आप यूज कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट इज $120 एग्जाम्पल, 100 हो सकते हैं 120, मुझे एग्जैक्टली नंबर पता नहीं उसका। और फ्री ट्रायल का जो सब्सक्रिप्शन है, एवरीबॉडी कैन गेट अ वन फ्री ट्रायल अकाउंट इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड एंड इफ यू हैव अ ईमेल आईडी। लोग तीन तीन क्रेडिट कार्ड, चार चार क्रेडिट कार्ड जिसके पास है, तो एक एक क्रेडिट कार्ड उस पर एड करके अलग अलग ईमेल आईडी पे अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेके चार चार महीने भी प्रैक्टिस करते हैं, किए होंगे कुछ लोग पता है। बट द डिफिकल्ट पार्ट इज यू आर एडिंग योर क्रेडिट कार्ड इन ईच एंड एवरी अकाउंट, उसमें बाद में जब एक्सपोज होता है तो कैसे होगा, डायरेक्टली डायरेक्टली SMS आना शुरू होगा, यू हैव मेड अ परचेस ऑन सो एंड सो लोकेशन, US में, यूरोप में, इधर उधर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है मेरे साथ जनवरी फेब्रुआरी में लास्ट, इसलिए मैंने वो निकाल दिया यहाँ पे। अगर मेरा मतलब देखोगे डेबिट कार्ड रखा हो और भी ₹1,000 से ज्यादा अंदर नहीं है, द रीजन फॉर एडिंग अ डेबिट कार्ड एंड लेस यूज कार्ड, मतलब वो उसमें अकाउंट पे पैसे रखता नहीं हो और उस पे ज्यादा अमाउंट रखता ही नहीं हो, मिनिमम अमाउंट रखूंगा इसका बिलिंग के लिए बस इतना ही, क्योंकि पहले मेरा अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड है इसमें ऐड किया हूँ मैं, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, रात को 10 बजे के बाद £25, £30, £100 और €20 और डॉलर तीनों करेंसी में ट्रांसैक्शन होना शुरू, सो 1 घंटे के अंदर ₹1,40,000 ट्रांसैक्शन हो गया, बाद में वो रिफंड हो गया अलग बात है, बट तेरे को फॉलो अप करना पड़ता है और डिस्प्यूट रेज करो और ब्लॉक कर दो, ये सारी चीज़ें मुझे 100% श्योर हूँ मैं। इसके अलावा मैं कहीं पे भी अकाउंट ऐड नहीं किया, मतलब वो क्रेडिट कार्ड कोई भी पोर्टल में मैंने ऐड ही नहीं किया इसके अलावा, फिर भी आई डोंट नो वो कैसे एक्सपोज हो गया और कैसे ट्रांजेक्शन हो गया, सो बेटर बी केयरफुल, अगर ऐसे कुछ चार 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 कार्ड चार चार अकाउंट में यूज करना चाहते हो डोंट यूज इट, ये ₹10 के फ्री के चक्कर में ना एक एक ट्रांजेक्शन बहुत महंगा पड़ जाएगा, मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या गॉट इट, हेलो, या गो अहेड टेल मी। हाँ सर, जैसे अभी आपका जो इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन है तो आर यू आल्सो एलिजिबल टू गेट द डिस्काउंट लाइक 30 या 35% फॉर योर अकाउंट? हाँ, नहीं, हम लोग को मिलेगा नहीं है इंडिविजुअल पेयर्स को यूजर्स के लिए नहीं मिलेगा, बट और एक ऑप्शन है इन ये दोनों के, इंडिविजुअल पेयर्स के अलावा स्टार्टअप्स के लिए और एक ऑप्शन है, इफ यू आर फंडेड स्टार्टअप, मतलब आप स्टार्टअप का बिजनेस एज्योर में खुलना चाहते हो, यू आर डूइंग सम डेवलपमेंट पार्ट, यू हैव सम डेवलपर्स एंड यू हैव अ फंडेड स्टार्टअप एंड यू वांट टू होस्ट योर सर्विसेज इन एज्योर, उस कंडीशन में आपको वो फंडेड फंडेड वाला स्टार्टअप का जो डॉक्यूमेंटेशन एज्योर अकाउंट्स के टीम के साथ शेयर करना होता है, so they will review it and they will offer you free subscriptions to support your startup business. उसमें कैसा रहेगा, पहले 1 year zero payment, कुछ पे करने का जरूरत नहीं, जैसे चाहिए वैसे यूज कर लो सारे सर्विसेस, ठीक है, 1 साल के बाद उसका बिल शुरू होता है, ओके, उसमें कैसे है, समवेयर अराउंड $20,000 पर मंथ या $15,000 पर मंथ इज द मैक्सिमम कैपिंग फॉर योर स्टार्टअप बिजनेस, मतलब आप 10,000 या $15,000 तक बिल एस्केप कर सकते हो इफ यू आर रजिस्टर्ड ए स्टार्टअप, द टू फंडेड स्टार्टअप फ्रॉम द टॉप लेवल, क्या बोलते हैं उनका फंडिंग वाले, उनका होना चाहिए, ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, सो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको भेजना पड़ेगा, सो अगर कर सकते हो श्योर, सब्सक्रिप्शन फॉर
सर्विसेज ऑल द सर्विसेज यू कैन यूज, और उसके लिए वो कांटेक्ट करना पड़ेगा सेल्स टीम, डॉक्यूमेंटेशन ये भी सपोर्ट करता है. सी इसे कोई तो लिखा है, ये बहुत पुराना कहानी है, बट जितना का 10,000 to 15,000 तक हर महीना बिल आप एस्केप कर सकते हो, बट 1 ईयर ही है. ये 2 ईयर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैंने एक बंदे से जो सुना है 1 ईयर का फ्री फ्री मिला है उसको, ठीक है, 1 ईयर तक बिल पे करने की जरूरत नहीं, मंथली 15,000 तक मैक्सिमम, मतलब अंदाजा 1,80,000 साल का उसका, डॉलर्स में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 1,80,000 तक एक साल का मिल गया उसको. ये यहाँ पे इन लोग जो लिखा है ये पे 2 साल का फ्री है, ये के मतलब साल का महीने का 6 6 होगा, 6,000, वो भी ओके, $6,000 पर मंथ फॉर योर बिजनेस टू रन ऑन ऑन एज्योर जस्ट टू एनकरेज योर स्टार्टअप, वो भी एक तरीका है. AWS देता है, जो भी दे रहा है वो AWS भी देगा, एंड यू कैन हैव मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस इन योर अकाउंट, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने दो PSGO अकाउंट, ताकि ये दोनों एक ही कार्ड के थ्रू पेमेंट, उसके अलग कार्ड नहीं है, बट मुझे दो अलग अलग कस्टमर है, दो अलग अलग कंपनी है, और अलग अलग कंपनी में अलग अलग रिसोर्स को मुझे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, या कुछ टेस्टिंग करना है, दोनों तरीके से कुछ डेटा एक्सचेंज करना है. इमेजिन यू हैव वन, यू आर वर्किंग फॉर वन कंपनी, आई एम वर्किंग फॉर अनदर कंपनी, वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके डेटा सेंड करना है, तो कैसे करेंगे, राइट? थर्ड पार्टी कंपनीज, थर्ड पार्टी पोर्टल्स, उनके बीच में भी डेटा एक्सचेंज होता है ना. सो उसके लिए मुझे यस सर, दो सब्सक्रिप्शन लगेगा, कैसे एस्टेब्लिश करें और डेटा ट्रांसफर कैसे करें, उसके लिए मैंने दो सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, क्योंकि हर बार की कोई और स्टूडेंट को मांगना पड़ता है कि आपका सब्सक्रिप्शन में एक मशीन डिप्लॉय करो और मुझे उसका आईडी दे दे, मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता हूँ. इससे अच्छा मैं खुद ही दो सब्सक्रिप्शन लूँ और यहाँ से दिखाऊँ, तो इसलिए मैंने दो लिया. एक्चुअली 90% केसेस में एक ही यूज करूंगा, सिर्फ वो एक दो सिनेरियो के लिए मैं वो दूसरा सब्सक्रिप्शन यूज करता हूँ, इसलिए उसका बिल देखो एकदम कम, ठीक है. एक दो ही सिनारियों पे हम लोग अक्रॉस दी रीज, अक्रॉस दी सब्सक्रिप्शन, अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस दी कस्टमर डेटा ट्रांसफर करते हैं उसके लिए, समझे? ऑल्सो टेक मल्टीपल सब्सक्रिप्शन. जब आप PSGO का सब्सक्रिप्शन लोगे, यू नो नीड टू पे एनीथिंग, ओनली दे विल चार्ज यू ₹2 फॉर योर अकाउंट वैलिडेशन, जब जैसे ओके. सो ये इस पे जाके आप डायरेक्टली अकाउंट खोल सकते हो, सॉरी अकाउंट खोल सकते हो. उसके बाद सब्सक्रिप्शन के लिए गेट अ न्यू सब्सक्रिप्शन, उसके लिए कहाँ पे जाना है, गो टू कॉस्ट मैनेजमेंट, सब्सक्रिप्शंस, न्यू सब्सक्रिप्शन. इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन है, प्लीज डोंट सेलेक्ट एनी अदर सपोर्ट ऑप्शंस. अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है सच में, ये सारे चीजें मत देखो, ठीक है, जस्ट गो विद दिस, सेलेक्ट एंड प्रोवाइड द डिटेल्स, जो भी डिटेल्स वो मांगेगा वो डिटेल्स दे दो. इट विल आस्क यू फॉर योर पैन कार्ड, आस्क यू फॉर क्रेडिट कार्ड, एंड आस्क यू फॉर योर बिलिंग एड्रेस. बिलिंग एड्रेस मस्ट बी इक्वल टू योर क्रेडिट कार्ड एड्रेस, मतलब अब जब क्रेडिट कार्ड लेते वक्त जो एड्रेस दिया हो वही एड्रेस दिया तो तुरंत एक्टिवेट होता है. अगर वो रिकॉर्ड्स के साथ मैच नहीं होता है बैकएंड में, वो सब्सक्रिप्शन एनेबल करने में थोड़ा टाइम लगेगा. इतना एजोर का इतना क्या बोलते हैं, देखो वापस यही दिक्कत है, और बार बार OTP मांगेगा, मैं कुछ भी ट्रांजेक्शन करने जाऊंगा OTP मांगेगा, ठीक है, देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड. सो 6530 76, सॉरी 076, ठीक. सो क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है, यू कैन ऐड न्यू कार्ड, अगर चाहो तो दूसरा भी ऐड कर दो, ठीक है. उसके बाद एड्रेस का पूरा वो डिटेल्स दे दीजिए, एंड मेक श्योर नो
technical support, you have to select. Please don't leave this option default. Next, 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 click मत करियो. अगर कर दिया होता, अगर यूज करो ना करो, हर महीने 2000 कट जाएगा कार्ड में से. अकाउंट यूज करो ना करो कुछ फर्क नहीं है. यहाँ पे देखिए 1916 और 17 रुपीस प्लस जीएसटी हर महीना अकाउंट से कट जाएगा. बी केयरफुल, ठीक है? तो यू ऑलवेज सेलेक्ट नो सपोर्ट, साइन अप. सो नया सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. अगर साइन अप क्लिक करोगे तो यहाँ पे और एक सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाएगा मेरे लिए. सो आई डोंट क्लिक इट. सो यू गाइस कैन टेक अ सब्सक्रिप्शन ऑन योर ओन. पहले क्या करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट कर लो, उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले लो, देन यू आर रेडी टू डू एनीथिंग इनसाइड द एश्योर. इसका मतलब ये दोनों चीजें मैंडेटरी है, राइट? सो वन मोर क्वेश्चन सर, सॉरी सर, फर्स्ट स्टेप. या फर्स्ट स्टेप फर्स्ट. सो क्रिएट अकाउंट, गेट सब्सक्रिप्शन, ये दोनों है तो एज्योर में आप कुछ भी कर सकते हो. क्लियर? अब पूछो सर. जैसे आपने कहा कि वहाँ पे जो डिटेल्स देने पड़ते हैं, पैन और ऑल दिस स्टफ, सो अगर मुझे, मैं अगर अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ अजर अकाउंट, तो देन ऑल द डिटेल फिनिश और वो स्टिल वो डेटा आप डिलीट कर सकते हो. आप डिलीट कर सकते हो यहाँ पे. ओके ओके. जैसे आपने कहा कि कोई बंदा है जो चार चार क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, और वैसा उसका माइट बी सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट वो हैक भी हो सकता है, वॉट एवर जो भी रीजन है, जैसे आपके साथ हुआ है. तो जैसे मैंने एक सब्सक्रिप्शन, अभी हमारा कंपनी में ट्रेनिंग हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने वो क्रेडिट कार्ड यूज किया था, ठीक है? अभी मैं दूसरा क्रेडिट कार्ड तो नहीं ला सकता, चलो समझ लो. तो वही मुझे यूज करना है और मुझे उसको हटाना है, वाह, इज इट पॉसिबल? यू कैन ऐड अ न्यू कार्ड. यहाँ पे देखिए, ऐड अ न्यू कार्ड एंड डिलीट द ओल्ड वन. ओके ओके. टाइम लगेगा अराउंड 24 आवर्स टू एक्टिवेट, बट यू कैन ऐड इट एंड रिमूव इट. ओके सर. ओके. मैं अभी सर्च करने के लिए भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं सर्च कर बाद में. उसमें है ट्रांजैक्शन, अभी रिसेंटली हुआ है. तो रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मैं लगातार वो कॉल सेंटर पे बैठा, काम का सारे एसएमएस इकट्ठा करके उनको एक एक ट्रांजैक्शन बताना होता है कि उन लोग डिस्प्यूट रेज करें, क्योंकि कई कई बाप जगह रे. पे दो दो पाउंड, दो दो पाउंड का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, वो पता नहीं कैसे हो गया कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप. सो बी केयरफुल गाइस, होता है But सबके sir, साथ. when you are going to log in your subscription, it is system, right? Yeah, फिर OTP. After that, he that person can able to access your Azure infra, right? नहीं, Azure use ही नहीं कर रहा है. वो कार्ड का ही तो expose हो गया. और कार्ड Okay, details के okay, थ्रू okay. American Express without OTP तुम $50 या $100 तक ट्रांजेक्शन कर सकते हो विदाउट OTP. उसमें और OTP आता नहीं. उनका गारंटी है कि अगर फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो गया तो दे विल रिवर्ट इट वेरी क्विकली. सो उसके लिए OTP एनेबल नहीं करते, कुछ मिनिमम ओके अमाउंट है वहां तक. सो वो अलग स्टोरी है, ठीक है? सो गो बैक टू यस आई गॉट इट. या सो बट ये सारे चीजें होते हैं मेरे साथ ही हुआ, मतलब सबके साथ होने के चांसेस भी हैं. ऐसे नहीं कि मैं अकेले इसमें फंस गया हूँ, ठीक? सो नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज नेक्स्ट? सो एज्योर में मुझे पहले सब्सक्रिप्शन और ये दो मिल गया, उसके बाद मुझे क्या चाहिए? आई नीड टू आइडेंटिफाई, एज यू सेड शेखर, यू सेड राइट. सो राइट लोकेशंस फॉर योर राइट बिजनेस. सो व्हेन आई से राइट लोकेशन फॉर योर राइट बिजनेस, तो ये मान यूएस में कहीं तो एक लोकेशन में, ये कहाँ पे? दिस एंड दिस मस्ट बी 300 माइल्स अपार्ट. यू नो दिस रीजन, primary and secondary data center must be 300 miles away, that is by design. Pata hai kya kisi ko? No sir, the reason is disaster recovery purpose. Disaster mein disaster bola to theek hai, disaster okay, but koi bhi nuclear bomb bhi koi bhi dalega uska radius 300 miles se zyada nahi hota hai. So by design agar koi bhi उड़ा दिया एक जगह को, दूसरा लोकेशन मस्ट बी 300 माइल्स अपार्ट, सो दैट दैट इज सेफ. यही कहना है, बट रिस्क इज सिंगापुर. सिंगापुर में उतना हाई नहीं रेडियस, राइट? वहां पे इसलिए लोग सिंगापुर में एक डेटा सेंटर, मलेशिया में दूसरा डेटा सेंटर, या नहीं तो जापान में, या कोई कोई कोरिया में,
बेस्ड ऑन द बिजनेस, उन लोग मेजरली एशिया में बिजनेस करने वाले हैं, सेकेंडरी लोकेशन सिंगापुर में रखते हैं, बट उनका प्राइमरी बिजनेस कुछ और लोकेशन पर रखते हैं, दोनों एक जगह पर रखते नहीं है सिंगापुर में. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई राइट लोकेशन फॉर योर राइट बिजनेस, इन द सेंस ये है ये है ये है, ये तो रहने वाली है, अभी जाने तो है ही नहीं, मतलब ऑफिसेस तो वैसे ही रहेगा, डेटा सेंटर से हम लोग मूव कर रहे हैं, मतलब ये डेटा सेंटर तो पहले फिलहाल वही रहेगा. यू नीड टू आइडेंटिफाई राइट लोकेशन फॉर योर डेटा सेंटर इन एज्योर. मुझे एज्योर में फिलहाल तीन लोकेशन चाहिए होते हैं, ये तो क्लियर है. यूएस में एक चाहिए, यूके में एक चाहिए और सिंगापुर में एक चाहिए. एग्री? यूएस में कौन सा सेलेक्ट करेंगे वो अलग बात है, क्योंकि इसका थोड़ा दूर वाला और ये डेटा सेंटर का थोड़ा नजदीक वाला हमें डिसाइड करना होगा, राइट? सो दैट राइट लोकेशन टेक्निकली यू कॉल इट एज रीजियन. व्हाट इज दिस रीजियन, एनी आइडिया? होता क्या है ये रीजन, मतलब रीजन इज नथिंग बट जस्ट डेटा सेंटर फ्रॉम एजोर वेयर दे आर होस्टेड देयर सर्वर्स। ओके, जियोग्राफिकली सेपरेटेड. ओके ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वाइज वही है, वही लिखा हुआ है उसमें, बट मुझे थोड़ा अंदाजा थोड़ा अंदर जाके जानना है, मतलब टेक्निकली थोड़ा डीप जाके जानना है, तो क्या है एग्जैक्टली वहां पे उस जियोग्राफी लोकेशन? लोकेशन या उस लोकेशन पे अजूर ने उनका डेटा सेंटर बनाया है जो ठीक हम है, लोग यूज कर एक सकते डीसी हैं। है, एक डीसी है एजोर का, राइट? डीसी माइट बी टू वेज, यहाँ पे रीजन कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन टू टाइप्स, सो उसके लिए कैसे देखना है, एजोर रीजन्स. चलो थोड़ा ये देखते हैं. ओ ये भी चेंज, सो इफ यू लुक एट द रीजियंस, ये सारे एज्योर रीजियंस है, जो येलो सॉरी ब्लू कलर में मार्क है, ये सारे एज्योर का रीजियंस है, ये सारे लोकेशन में एज्योर का डेटा सेंटर है जैसे आपने बोला. बट इफ यू लुक एट इन सम ऑफ द रीजियंस, एक अंदर एक व्हाइट कलर का डायमंड शेप वाला है, इसका क्या अंत है कुछ पता है? ये देखिए, कुछ लोकेशन पे, सब पे नहीं, डॉटेड वाले तो ठीक अवेलेबिलिटी है, जोन्स हाँ डॉटेड वाले ठीक है, डॉटेड वाले मतलब नया आने वाले, बट अवेलेबिलिटी जोन और अवेलेबल रीजन, इन दोनों का क्या अंतर है? अवेलेबिलिटी जोन्स एंड मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स आर अवेलेबल इन सिंगल रीजन। मतलब अवेलेबिलिटी जोन्स तो डेटा सेंटर्स होते हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं डेटा सेंटर्स? डिफरेंट डेटा सेंटर्स विद इन अ रीजन। ठीक है, सॉरी यू आर नॉट ऑडिबल अगेन, यू आर नॉट ऑडिबल. ठीक है, सो अवेलेबिलिटी जोन बोले तो तीन बिल्डिंग है अलग अलग, एक ही जियोग्राफी में. अब जैसे बोला कि रीजन इज वन जियोग्राफी, लोकेशन वन डेटा सेंटर, बराबर, बट वो जो डेटा सेंटर है जिसके सामने आप ये देखे हो डायमंड करके, मतलब वो सिंगल डेटा सेंटर नहीं है, वहां पे तीन अलग अलग डेटा सेंटर मल्टीपल है एक ही सिटी में. नहीं, मल्टीपल नहीं है, तीन ही है, इधर वन और ओके थ्री, दैट इज बाय डिजाइन, समझा? अगर डायमंड है अंदर, जो डायमंड दिख रहा है ना, ये ऐसे नोटेशन देखा मतलब ये अवेलेबिलिटी जोन है, अवेलेबिलिटी जोन है वहां पे तीन डेटा सेंटर है. अगर डायमंड नहीं तीन है, तीन सिंगल या बिल्ड, हाँ सर नॉट आई हर्ड मोर नॉट थ्री आर लेस, ओनली थ्री. AWS का अलग है, छह छह रहेगा कुछ कुछ जगह पे AWS में, दैट इज डिफरेंट. माय पॉइंट, सो यहाँ पे तीन अलग, एक ही स्ट्रीट में हो सकता है, एक ही सिटी में रहेगा पक्का, बट एक ही स्ट्रीट में हो सकता है,
या अलग अलग स्ट्रीट में अलग अलग एरियाज में हो सकता है, बट दे हैव एडिक्वेट बैंडविड्थ, बैकबोन कनेक्टिविटी, मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ अच्छे बैंडविड्थ के साथ लोकल कनेक्टिविटी है, मतलब फाइबर के थ्रू कनेक्ट किया होगा एक ही सिटी में. एंड टेक्निकली यू कॉल इट एज Zone 1, Zone 2, Zone 3, इतना ही है. Zone 4, Zone 2 ऐसे नहीं रहेगा, 1 और 3, दैट्स इट. सो दूसरा जो है एक ही बिल्डिंग है, ठीक है, एक ही बिल्डिंग है. दिस ऑल्सो यू कॉल इट एज अ रीजियन एंड दिस ऑल्सो यू कॉल इट एज अ रीजियन. मतलब रीजियन बोले तो इधर 1 बिल्डिंग और 3 बिल्डिंग्स, याद रखो. एज्योर यही फंडा है. AWS में अलग है, अलग 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 लोकेशन में अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन है. AWS में ईस्ट US में 6 और UK में 4, इंडिया में 3, वैसा अलग अलग जोन्स है AWS में. बट एजर में वैसा नहीं है. एजर में जहाँ अवेलेबिलिटी जोन करके लिखा हुआ है वहाँ पे 3 बिल्डिंग है, यहाँ पे जहाँ पे सिंगल अवेलेबिलिटी सॉरी अवेलेबल रीजन है वहाँ पे एक एक ही बिल्डिंग है. मतलब मुंबई में, पुणे में और चेन्नई में, तीनों अलग अलग इंडिविजुअल रीजन्स है, वहाँ पे एक एक ही बिल्डिंग है. क्लियर? नहीं सर, समझा नहीं मैंने। एक बार दोबारा रिपीट। सी ये डायमंड देखा बीच में, मतलब वहां पे बिजनेस ज्यादा हो रहा है. जहां पे डायमंड डायमंड शेप इन लोग ने नोटेशन रखा है ना, वहां पे उनका ज्यादा अच्छा बिजनेस हो रहा है. इसलिए उन लोग ने किया 3 अलग अलग बिल्डिंग रखा है टू सिंक द डेटा इन बिटवीन ऑल ऑफ देम, क्योंकि यूजर बेस ज्यादा है, बिजनेस ज्यादा होता है, मोर नंबर ऑफ सर्विसेज, मोर अमाउंट ऑफ डेटा दैट दे नीड टू रेप्लिकेट हियर एंड देयर. दैट इज द रीजन दे कंस्ट्रक्ट 3 अवेलेबिलिटी जोन्स फॉर हाई अवेलेबिलिटी और फॉर रिडंडेंसी और बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस और रिड्यूस कस्टमर पेनल्टीज, इम्प्रूव कस्टमर SLA, कुछ भी बोलो, ये सारे हाई फंडू पेपर में लिखने के लिए. बट एग्जैक्टली क्या है वहां पे, अच्छा बिजनेस हो रहा है, वो लोग 3 बिल्डिंग रखे. जहाँ पे नॉर्मल बिजनेस हो रहा है, यूजर बेस ज्यादा नहीं है, इन दैट केस टेक मुंबई और पुणे और चेन्नई. इंडिया में ज्यादा कुछ नहीं है कंपेयर टू अदर लोकेशंस, जैसे ईस्ट US और अदर लोकेशन पे कंपेयर करोगे. सो यहाँ पे 3 3 बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके करेंगे क्या, जहाँ पे 1 बिल्डिंग पे बिजनेस नहीं हो रहा है. सो दैट एक ही बिल्डिंग रहेगा, दैट यू कॉल इट एज अ रीजन. जहाँ पे ये डायमंड शेप वाला जो है वो ऐसे है, तो 3 बिल्डिंग रहेगा, दैट ऑल्सो यू कॉल इट एज अ रीजन. क्लियर? So how they can judge So which one this will be kind the availability zone here then? This is availability. The whole thing you call it as availability zone 1, zone 2, zone 3. Okay, so obviously it is like in AWS we have three availability zone in one single region. Same like what is the difference actually? That's it, same thing. No, but you're saying some difference between AWS and AWS का फंडा अलग है, इसका फंडा अलग है, डोंट कंपेयर, इतना ही बोला मैंने. what is actually here in AWS we see one region and it comprises of multiple availability zones. यहाँ पे एक ही बिल्डिंग है, कुछ बिल्ड अलग अलग बिल्डिंग नहीं है, अलग अलग जोन्स नहीं है, ठीक है. सो सिंगल बिल्डिंग में पूरा काम आपको निपटाना पड़ेगा. कहाँ पे, इफ यू आर डिप्लॉइंग योर बिजनेस इन पुणे, ठीक है, AWS की तरह Zone 1, Zone 2, Zone 3 वैसा फंडा है ही नहीं. इफ यू आर डिप्लॉइंग सम बिजनेस और इफ यू आर डिप्लॉइंग योर सर्वर सर्विसेज और एप्लीकेशंस इन पुणे स्पेशली, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है. बट इफ यू आर डिप्लॉइंग समथिंग इन ईस्ट US, अगेन इक्वल टू योर AWS यू हैव अ जोन्स. US में है बट AWS में कैसे है, हर एक जगह पे जोन्स कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे वैसा जोन कॉन्सेप्ट दिया नहीं इन्होंने. मतलब ऐसा 3 3 डेटा सेंटर बनाए नहीं हर जगह पे, इन शॉर्ट. क्लियर? I have one question here. On what basis they have created 3 zones? If suppose the business is growing more, and these 3 zones are not sufficient, then
इसलिए ईस्ट यूएस टू बनाया ना, ओके ईस्ट यूएस टू, ईस्ट यूएस, वेस्ट ओके यूएस टू, सेंट्रल यूएस, सो इसलिए अलग अलग बनाया। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते गए वैसे वैसे बनाते जा रहे हैं वो लोग। इट ओके इज देयर ओके स्ट्रेटजी हाउ दे ग्रो। ओके और कुछ? गुड। सो इसके साथ साथ और एक छोटा कॉन्सेप्ट है, पेयर रीजंस। सुना कभी? मतलब कौन सा रीजन कौन से रीजन के साथ टाइटली जोड़ा गया। अभी ये एक रीजन है ईस्ट यूएस में, ये तो इसके साथ कनेक्ट रहेगा बट लाइट वेट कनेक्शन, ज्यादा बैंडविड्थ। बट सेम ईस्ट यूएस अगर वेस्ट यूएस के साथ आप कंपेयर करोगे, इट इज टाइटली कपल्ड विथ वेस्ट यूएस, मतलब अच्छा बैंडविड्थ है दोनों के बीच में। यहाँ पे भी तीन बिल्डिंग है वो अलग बात, बट ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्टेड है। इन दोनों के बीच में ज्यादातर डेटा रिप्लिकेट होता है, मतलब अगर कुछ हो गया, इफ यू आर टॉकिंग टू योर कस्टमर्स, अगर आप आपके कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, कस्टमर डीआर सॉल्यूशन, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी। इन आवर एग्जांपल वी डोंट रिक्वायर इट बिकॉज मेरा प्राइमरी है ऑलरेडी ऑन प्रीमाइस में, आई एम प्लानिंग फॉर सेकेंड। बट कुछ कस्टमर्स हैं उनका प्राइमरी सेकेंडरी दोनों एज्योर पे ये रखना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी ईस्ट यूएस में रखा तो सेकेंडरी वेस्ट यूएस में रखो, बिकॉज दीज टू आर पेड रीजियंस, दे हैव एडिक्वेट बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफर इज वेरी क्विक कंपेयर टू पुणे। इफ यू आर प्लेसिंग योर प्राइमरी सर्वर इन ईस्ट यूएस, सेकेंडरी सर्वर इन पुणे, इट इज नॉट फिजिबल टू रेप्लीकेट द डेटा। रहेगा लिमिटेड बैंडविड्थ कनेक्शन बट इट इज नॉट फिजिबल फिजिबल। सो पेड रीजन जहाँ पे आता है उसका नियरेस्ट लोकेशन, जो दूसरा दूसरा नियर बाय रीजन है, उसको पेड रीजन क्रिएट कर, ठीक है। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद दिस होल रीजन, यू स्टिल हैव योर सेकेंडरी रीजन सो दैट यू कैन ब्रिंग योर सर्विसेज अप एंड रन वेरी क्विकली बिकॉज यू हैव एडिक्वेट बैंडविड्थ इन बिटवीन दीज टू। सिमिलरली इफ यू टेक द पुणे, व्हाट इज द पेड रीजन फॉर पुणे? चेन्नई। चेन्नई इज पेड रीजन फॉर पुणे एंड यू हैव मुंबई एज वेल, बट मुंबई एंड पुणे दे आर नॉट रिकमेंडेड टू हैव पेड रीजन। बाजू में 200 किलोमीटर ही है, एज आई सेड 300 माइल्स होना चाहिए। सो पुणे एंड मुंबई प्राइमरी सेकेंडरी कभी नहीं बन सकता है, भले उन दोनों को भी कनेक्टिविटी है और गुड बैंडविड्थ है, फिर भी यू कैन नॉट ट्रीट दीज टू एज प्राइमरी सेकेंडरी एज पर स्टैंडर्ड्स। मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया या सर्विसेज होस्ट किया, 6 महीना स्पेंड किया एंड यू प्रिपेयर अ वेल सिक्योरिटी, सब सब वैलिडेट किया एंड यू प्रिपेयर अ बेंचमार्क वैलिडेशन और सब स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड के सब हाई क्या नहीं सब चेक किया, उसके बाद आप आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए भेजोगे, आपके इंफ्रा या साइबर सिक्योरिटी ऑडिट के लिए भेजोगे इंफ्रा, उसमें ये भी देखा जाता है कि आपने कहाँ पे सेकेंडरी बनाया। ओके उसके गाइडलाइंस के हिसाब से यू कैन नॉट प्लेस योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्वर्स इन पुणे एंड मुंबई, दैट इज द रीजन दे डोंट रिकमेंड एज ए पेड रीजन। सो फॉर मुंबई एज वेल, फॉर वेस्ट इंडिया इज मुंबई, चेन्नई विल बिकम अ पेड रीजन, फॉर पुणे चेन्नई विल बिकम अ पेड रीजन। हाउ टू चेक, लेट्स सी, एश्योर पेड रीजन्स, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी, एश्योर पेड रीजन्स। व्हाट इज पेड रीजन? लंबा कहानी, आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, बट मैं बोला रीजन पेयर, एक रीजन एक डेटा सेंटर रहेगा, दूसरा रीजन डेटा सेंटर एक ही जियोग्राफी की, मतलब कंट्री से बाहर नहीं, वो भी एक रखो, कंट्री से बाहर गया डेटा सॉवरेंटी आएगा वापस। सो यहाँ पर देखो इंडिया, सेंट्रल इंडिया पुणे चेन्नई के साथ, वेस्ट इंडिया मुंबई चेन्नई के साथ, दिस इज पेड रीजन।
region A, region B within the geography. Australia 2. So हर एक कंट्री में उसका सेकेंडरी लोकेशन रहेगा ही. एशिया में देखो और कुछ, हांगकांग, सिंगापुर. सिंगापुर में रहता ही नहीं है, दो एक जगह पे. इसलिए देखा, दीज आर द स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर योर बिजनेस और वेयर यू आर डिप्लॉइंग एंड व्हाई यू आर डिप्लॉइंग. सो ये डिसाइड करना है कि आपके बिजनेस के लिए कहाँ पे रिसोर्स डिप्लॉय. राइट, गॉट द रीजियंस. Okay, and you got the region pairs, and you came to know that availability zones, okay, and the secondary location for your BCDR in case if you are designing high available geo downtime fault tolerant business, in that you need to make sure you are deploying resources और सर्विसेज अक्रॉस मल्टीपल रीजियंस. ये समझे? और कुछ क्वेश्चंस है इसमें सर? इज दिस द डिप्लॉयमेंट ऑफ पेयरिंग रीजन शुड बी इन द कंट्री इट इज बेस्ड अश्योर विल कंफर्म दैट और इट इज बेस्ड ऑन अस वी हैव टू कंफर्म इवन 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 इन योर ट्रेडिशनल डेटा सेंटर. अभी वो सब छोड़ो, अभी दो दिन पहले जब टिकटॉक बंद की तो डिस्कशन वही चल रहा है ना, अपना डेटा जाके सिंगापुर में रख रहा है, दैट इज अगेंस्ट टू डेटा सॉवरेंटी. अपने यहाँ लॉस इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बट इफ यू लुक एट द यूरोपियन कंट्रीज, ओके, यू कैन रीड अबाउट दिस आर्टिकल. मैं पढ़ो, इसका मीनिंग ये है, अब जिस कंट्री पर बिजनेस कर रहे हो उस कंट्री से डेटा बाहर जाना ही नहीं है, भले वो कुछ भी डेटा हो. इवन इट इज अ फोन, डजंट मैटर, इट शुड नॉट गो आउटसाइड ऑफ द कंट्री. मतलब जो डेटा वहां पे जनरेट किया वो वहां पे सेव करना चाहिए, दैट इज द रूल, अनलेस अंटिल यू हैव अ अप्रूवल. तो उस हिसाब से यू कैन नॉट प्लेस रीजन इन दूसरे कंट्री में रखेगा तो उसका लॉ के अगेंस्ट है ना. सो कितने भी बड़ा बिजनेस करने दे अजूर को, दे शुड फॉलो ईच एंड एवरी कंट्रीज देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लीगल लीगल रूल लीगल एंटिटीज, वो भी कंसीडर करना ही पड़ेगा ना. दैट इज द रीजन विद इन द जियोग्राफी रीजन पेयर दो 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 डेटा सेंटर्स रहेगा या दो दो रीजन रहेगा एक ही कंट्री में. और एक है यहाँ पे एक्सेप्शन, फिर ये सिंगापुर हांगकांग दो अलग अलग कंट्री है, कैसे चलेगा? दे हैव अ लीगल कंस्ट्रेंट, उनका जियोग्राफी इतना बड़ा नहीं के भी कुछ फायदा नहीं है. सो इसलिए दे हैव अ टाई अप और मे बी दे हैव अ साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट एंटिटीज, दैट आई नेवर नो, बट एज फॉर आई नो इज डेटा सॉवरेंटी इज इन प्लेस इन यूरोपियन कंट्रीज वेरी स्ट्रिक्ट, इन आवर कंट्री इट्स बिट रिलैक्सेशन. इसलिए क्लियर sir? But if in that case, if I have a business in some other country and if I'm putting selecting the some other region in some other country for to avoid latency, yes, if your customer is using business if you have a customer XYZ person, he is in near to Australia, you have to place your resources in Australia. For that you have to do some business in Australia with some XYZ organization, then you are eligible to deploy it. So in that case, our data, it is we are getting to deployed in some other country. So some other, not the some other country. In that country, you have a business registered, then it is fall under that laws and that business entity. इसलिए ना कोई भी दूसरा country पे कुछ office भी खोलना है, पहले जाके उनका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाके पहले कंपनी खोलता है, सो ऑन सो प्राइवेट लिमिटेड. समझा? हाँ, टेक्निकल बातें यार छोड़ दो, यहाँ पे टेक्निकल पे आ जाओ. ये देखिए, सी ग्रेटर देन 300 माइल्स, ये भी डॉक्यूमेंटेड लिखा है यहाँ पे, दैट इज बाय डिजाइन.
ठीक है, एक ही कंट्री में हो बट 300 माइल्स के अपार्ट दो अलग अलग डेटा सेंटर है. दिस इज बाय डिजाइन सिंस लास्ट 20 ईयर्स. जब से 20 ईयर्स नहीं है, जब से हम लोग डेटा सेंटर्स बिल्ड करना शुरू किया, दे विल कंसिडर दैट हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट. सो अगर वैसे कुछ हुआ तो उसका रेडियस जो है इसके अंदर रहेगा, ताकि एटलीस्ट ये प्रोटेक्ट कर सके. दैट इज बिकम अ स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन. ठीक, और कुछ यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस हैं? सो वंस यू आइडेंटिफाइड योर लोकेशंस, देन व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? लोकेशंस तो आइडेंटिफाई कर दिया, देन व्हाट इज दिस आईपी? समझ रहे हो? ठीक है, लोकेशन आइडेंटिफाई किया, इस पे मुझे डिप्लॉय करनी है सर्विसेज. तो एज ए सेट नेटवर्क इज बेस. सो मुझे नेटवर्क डिजाइनिंग के लिए व्हाट इज योर प्री रिक्वेस्ट विद इन द एज्योर टू डिप्लॉय समथिंग इन इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क स्टैंड पॉइंट? The secondary data center what we have should communicate to Azure with a proper WAN link or high speed WAN link or whatever. दोज आर ऑल हाई लेवल प्री रिक्विजिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये जानना है कि व्हाट इज दिस प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी. ओके, सो व्हिच और व्हिच क्लास टू यूज, हाउ यू विल डिसाइड विच पब्लिक आईपी विच प्राइवेट आईपी, हाउ इट विल कम्युनिकेट एंड हाउ यू वॉन्ट टू टाइटन द सिक्योरिटी, ऑल दीज थिंग्स. देन इंटरकनेक्शन एंड ऑल लेटर ऑन. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू टेक योर होम नेटवर्क, वो डेटा सेंटर के दूर की बात है. यू हैव योर होम, ओके, तो कहीं ना कहीं एक कोने पे वाईफाई डिवाइस तो रखा होगा, टीपी लिंक वाईफाई राउटर. ठीक, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक केबल लाएगा, इस पे कनेक्ट करके चले जाए, खत्म. अगर आपके घर पे कुछ डेस्कटॉप है, ओल्ड स्कूल आदमी हो तो डेस्कटॉप है, तब तुम्हें एक केबल लाके ये वाईफाई राउटर में कनेक्ट करना पड़ेगा. या अभी आजकल सारे हाई एंड लैपटॉप यूजर्स हैं, तो यू हैव टू लैपटॉप्स, वन स्मार्ट टीवी, अलेक्सा, एक्स वाई जेड, ब्लूटूथ डिवाइस एंड सो ऑन, कुछ डिवाइसेस हैं. ये सारे ये डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करेगा और इंटरनेट के थ्रू डेटा शेयर करेगा. नाउ यू टेल मी हाउ मेनी प्राइवेट आईपीस एंड हाउ मेनी पब्लिक आईपीस आर देयर इन दिस रेड बॉक्स? नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लस वन पब्लिक आईपी एड्रेस इंटरनली ईच डिवाइस विल हैव इंडिविजुअल आईपी इंटरनली एंड एक्सटर्नली दैट द पब्लिक आईपी. इफ आई एम क्रॉसिंग माई बाउंड्री, इफ आई एम क्रॉसिंग माई बाउंड्री, वन पब्लिक आईपी विल बी देयर. एकदम सिंपल. ठीक है, इंटरनली चार चार आठ प्राइवेट आईपी रहेगा. किसी को प्राइवेट और पब्लिक आईपी का डिफरेंस तो यहाँ पे हाथ रेस कर लो, या कुछ अभिजीत अक्षय. यस आई नो इट. ठीक, और गिरीश, राहुल. राहुल आप कुछ बोल ही रहे हो, बोलो ना राहुल. इट्स ओके. सो सिमिलरली एक छोटा सा घर के सेटअप में बारे में डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें कंसीडर करनी है. सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्राइज, यू नीड टू डिजाइन नेटवर्किंग इन सच ए वे सो दैट इट विल बी इंटैक्ट विथ योर एग्जिस्टिंग बिजनेस. सो इसलिए योर नेटवर्क आर्किटेक्ट विल कम इन टू पिक्चर टू डिजाइन. नेटवर्क आर्किटेक्ट विल कम इन टू पिक्चर टू डिजाइन एज्योर टोपोलॉजी एज वेल. क्रिएटिंग एज्योर नेटवर्क इज वेरी सिंपल, बट
Integrating with your existing infrastructure, integrating with your existing organization is a challenge. इसलिए यहाँ पे ये network architect का role picture में आता है. Otherwise, even you can go and deploy the virtual machine by creating simple VNet that you did it already many times. समझ रहे हो? So इसके standpoint में क्या-क्या चीजें हमें याद रखनी है in terms of connecting sites together, in terms of designing your network topology in Azure, in terms of integrating your Azure with your on-premise or Azure with your AWS or Azure with your some other public cloud. That is also possible, boss. Some of the organizations, they'll have two cloud vendors, AWS, Azure and on-premise. कुछ चीजें एजर में रखेंगे, कुछ चीजें एडब्ल्यूएस में रखेंगे. वो दोनों के बीच में कौन सा बिल ज्यादा आ रहा है, कौन सा बिल कम आ रहा है देखेंगे, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे 6 महीने के बाद. वो भी पॉसिबल है. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. हाउ यू विल डिजाइन योर नेटवर्क, दैट वी विल डिस्कस टुमारो एट फर्स्ट स्टेज, देन विल डू द लैब इन एजर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. Clear? Any questions? Hello, sir. Go ahead. I'm stopping here. Fine. Questions? Yeah, we can do this. In short, we have to define the sacrifice whatever IP for our network and an end server or what are the back which require publicly or private. So that's type. You need to design it first of all. Yeah, you need to understand what you have and what you want to create. Okay, and what is the reserved IP ranges for those infrastructure to be built on Azure. So uske liye aap kaise design karoge wo janna hai. Yes sir. Yeah, others, any other question? Baki log. Vikas? No. No question. Rahul? Chris, still getting confused on region and AZ in Azure. Availability zones in Azure. ठीक है, वो तो मैंने clarify कर दिया पहले. अभी देखा. So if you guys are posting questions, let me see. I think video is lagging. Abhi bhi hai waise hi condition ya starting mein tha? Nahi nahi, abhi bhi hai. Huh? Abhi bhi hai. Abhi bhi hai. Others? Sabka wahi hai ya? Yes, this video is lagging. Is it? Okay. It's up. No. Okay. Nahi, ye jo paint ka tool hai na, abhi dekho main ye portal open kiya. रिसोर्स ग्रुप में अभी सबको रिसोर्स ग्रुप दिख रहा है, मैंने हाईलाइट किया देखा. ठीक है, सो ये पेंट जो है उसमें ड्रॉ करते वक्त उसका खुद का ही लैग रहता है व्हाइट बोर्ड का. बाकी अगर मैं टैब चेंज करते वक्त कुछ लैगिंग है, देन वी कैन कि इसमें वीडियो में लैगिंग है. या व्हेन यू सेड रिसोर्स ग्रुप आफ्टर 3 to 4 सेकंड आई कैन सी दैट रिसोर्स ग्रुप. So there is lag in video. Video? Yeah. Hey, lagging. No, I don't think so. No. Yeah. It is working good for me. See, मेरे एंड पे तो सही लग रहा है. कोई लैग नहीं. अगर कुछ लोगों को सही दिख रहा है, कुछ लोगों को लैग दिख रहा है, तो जिसका लैग दिख रहा है उसके एंड में लैगिंग है. Sir. And second thing sir, paint में है ना जितना ज़्यादा झूठ. जितना ज़्यादा झूम करेंगे ना वो थोड़ा lagging possibility और बढ़ जाता है. तो वो एक by default वो है, तो कुछ नहीं कर सकते वैसे देखा जाए. हाँ नहीं, मेरा दूसरा जो टूल है मीरो करके वो अच्छे चलता है. जो मैंने दिखाया था टूल, बट वो मेरा पर्सनल लैपटॉप में पता नहीं उसमें क्या बोलते हैं उसका एक्टिवेशन ही कल से बंद हो गया. मेरा नसीब ही खराब. तो दूसरा लिनक्स डेस्कटॉप है, उस पे वायर्ड कनेक्शन चाहिए लिनक्स डेस्कटॉप में, अदरवाइज वो यूज कर सकते हैं. देखे ट्राई करता हूं. नहीं सर, इतना लैगिंग प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा इतना. हां ठीक है.
चले। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे कुछ थियोरेटिकल डिस्कशन नहीं रहेगा, प्रैक्टिस में तो चले जाता है, लैग इतना दिखता नहीं वीडियो का। बट जिसका भी थोड़ा लैग है तो ट्राई टू रीजॉइन इट, एक बार रीजॉइन करो। क्योंकि मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, पुणे में रहता तब तो दो सिस्टम ऑन करके रखता हूँ, मेरा डेस्कटॉप प्लस लैपटॉप। एक एक इस पे क्लास चलते रहेगा, अगर गलती से वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, दूसरे इस पे वाइड कनेक्शन है, वहाँ पे मैं चला सकता हूँ। वैसे रेडंडेंसी है, बट अभी घर पे तो वैसे रेडंडेंसी नहीं है, मुझे भी थोड़ा ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, श्रीनिवास सर, या सो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ दैट एजी एंड रीजन्स विल बी डिस्कस्ड इन द लैब। यस, ओके, नो वाइल प्रॉब्लम। डिजाइनिंग, समथिंग, सॉरी, वाइल डिप्लॉय समथिंग, विल कंसीडर एवरी एवरी सिंगल एस्पेक्ट व्हाट यू आर डिस्कसिंग सो फार। फाइन सर, सो आई होप दैट दैट विल बी क्लियर ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके ठीक है, सो वाइल डिप्लॉइंग द रिसोर्सेस वी विल यूज अवेलेबिलिटी जोन्स। देर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड अवेलेबिलिटी सेट्स, एवी सेट्स, दैट इज ऑल्सो वी विल डिस्कस व्हेन यू आर डीलिंग विद द स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप हियर अनलेस यू हैव सम क्वेश्चंस। नो, गुड टू गो। या गो अहेड। अबाउट द टाइप ऑफ सर्विसेज लाइक SaaS as एंड PaaS. सो यस्टरडे आई रीड अ लिटिल बिट अबाउट दैट. सो आई ऑल्सो टू सर्विसेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनिटरिंग एज अ सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज, स्टोरेज एज अ सर्विसेज. सो दीज आर अ एक न्यू एक सेकंड, कंसेप्ट. नहीं 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 सुनिए सुनिए, और इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखिए, कुछ लोग वैसे भी बिजनेस कर रहा है, एनीथिंग एज अ सर्विस, एनीथिंग एज अ सर्विस बोले तो ओके ओके तुम्हें क्या चाहिए, तू मुझे बताओ, मैं करके दूंगा। समझ रहे हो? सो वो ओके बिजनेस करने का तरीका है, बट कॉमनली यूज सर्विसेस आर वो जो तीन जो है ओनली हम थ्री. डिस्कस कर रहे हैं, उतना हाँ हाँ वो ओके मेजरली यूज होता है। कई कई जगह पे बिजनेस कंटिन्यूटी डिजास्टर, सॉरी, नॉट 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 नो, डीआर एज अ सर्विस। कुछ कुछ जगह पे डीआर एज अ सर्विस करके बिजनेस भी चलाता है। कस्टमर के एक ओके ऑन प्रीमाइस है, एक ही डेटा सेंटर है, ठीक है, और आपका कॉमवॉल्ट करके एक टूल है, शायद सबको पता होगा। बैकअप हाँ, बैकअप कॉमवॉल्ट क्लाउड के टूल. साथ, हाँ, क्लाउड के साथ इंटीग्रेशन रहेगा। तो कुछ कंपनी क्या करता है, कॉमवॉल्ट फ्रंट एंड में रखेगा। इस कस्टमर का कुछ 50 सर्वर है, इसको प्रोटेक्ट करना है, तो सर आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं मेरा कॉमवॉल्ट एजेंट के साथ कनेक्ट कर लो, ये 50 सर्वर पे आपका एजेंट डालो और आपका डेटा यहाँ पे मैं एजोर पे सेव करता हूँ, ठीक है। और कॉमवॉल्ट एजेंट का पर एजेंट आप मुझे $250 पर मंथ बिल दे दीजिए, और यहाँ पे जो डेटा रखा उस पे एजोर चार्ज करेगा एवरी GB एक्स वाई जेड अमाउंट प्लस मेरा सर्विस चार्जेस, इतना इतना दे दीजिए, मैं आपको डीआर एज ए सॉल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ। ओके क्योंकि ये कंपनी को क्लाउड से कुछ लेना देना नहीं है या कुछ और सर्विसेज के साथ कुछ लेना देना नहीं है। सो व्हाट द स्मॉल कंपनी इज डूइंग, इट इज टेकिंग वन टूल एंड इट इज यूजिंग एज्योर एज ए बैक एंड क्लाउड क्लाउड एंड क्रिएटेड वन सर्विस कॉल्ड डीआर, डिजास्टर रिकवरी एज ए सर्विस, एंड सेलिंग इट ऑफ सम एक्स वाई जेड अमाउंट। सो मंथली $5,000 आई एम गेटिंग, दैट इज द इनकम फ्रॉम माई कस्टमर। दिस इज ऑल्सो सर्विस बिजनेस मॉडल, दिस यू कॉल इट एज। वैसे भी कर सकते हो। तो वैसे देखा जाएगा स्टोरेज एज ए सर्विस, आपने जो पढ़ा है टर्मिनोलॉजी, वो सब चीजें उसका उसका क्या बोलते हैं एब्रिवेशन है, जो जिस जिसको जैसे बिजनेस करना है वैसे। यस सर ओके ठीक, सो लेट मी स्टॉप हियर।